कैसे आ सकती है? ब्रह्म में लीन कैसे हो सकते हैं? और इन विकारों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। और जब तक ये विकार समाप्त नहीं हो जाते, तब तक भी जीवन में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। पर इन विकारों से छुटकारा महाकाली साधना के द्वारा पाया जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा जीवन को पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा अहंकार रहित जीवन को बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा योगी अपनी कुंडलिनी जागृत कर सहस्रार का भेदन कर ब्रह्म में लीन हो सकता है। यह सब महाकाली साधना के द्वारा ही संभव है। यही एकमात्र ऐसी महादेवी है जो जीवन को पवित्र बना सकती है, जो जीवन को दिव्य बना सकती है, जो जीवन में रोशनी बिखेर सकती है, जीवन को ऊंचा उठा सकती है, समाज में सम्माननीय बना सकती है। और जो योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, जो जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, आनंद की सृष्टि चाहते हैं, उनको महाकाली साधना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि महाकाली धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुख और सौभाग्य तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ बाधाओं, पीड़ाओं और कष्टों को भी दूर करने में समर्थ है, अभावों और न्यूनताओं को निरस्त करने में भी सहायक है, चिंताओं और तनावों से समाप्त एक उन्मुक्त जीवन प्रदान करने में भी सहायक है। जहां ये सृजनात्मक है, वहीं यह संहारात्मक भी है। इसीलिए महाकाली को सर्वोच्च महाविद्या कहा गया है। इसीलिए महाकाली साधना गृहस्थ व्यक्तियों के लिए और सन्यासियों के लिए समान रूप से उपयोगी बताया गया है। और फिर यह भ्रांत धारणा है कि महाकाली साधना उग्र साधना है या तांत्रिक साधना है। महाकाली तो अपने आप में अत्यंत सरल, सामान्य और सहज साधना है, श्रेष्ठ साधना है, जो किसी भी इष्ट को मानने वाले हो, गायत्री उपासक हो, सात्विक साधना करने वाले हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, प्रत्येक इस साधना को संपन्न कर सकता है, क्योंकि महाकाली का स्वरूप ही अपने आप में उग्र है,
महाकाली स्वयं अपने आप में अत्यंत सरल और सामान्य है, शीतलता प्रदान करने वाली है, सुख और सौभाग्य देने वाली है, और गृहस्थ व्यक्ति भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। गुरु के चरणों में बैठकर या अपने घर में गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए या अनुष्ठान के रूप में। और यह बात भी निश्चित है कि महाकाली साधना संपन्न करने पर पूर्ण सफलता तो मिलती ही है, पर यदि किसी कारणवश साधना असफल हो जाए, पूरी तरह से मंत्र जप न हो, बीच में ही साधना छोड़नी पड़े या साधना में व्यवधान आ जाए, तब भी साधना करने वाले को इसका विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यह बात अलग है कि उस साधक को उतनी सफलता नहीं मिल पाती, यह बात अलग है कि वह जिस फल की कामना करता है वह फल उतनी पूर्णता के साथ न मिल पाए, परंतु इसका विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति भी निष्कंटक और निश्चिंत होकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। उनको महाकाली साधना संपन्न करनी ही चाहिए, और जो महाकाली साधना संपन्न कर लेता है अन्य साधनाएं अपने आप उसके लिए सरल और सामान्य हो जाती है। फिर उसे अन्य साधनाओं में असफलता नहीं देखनी पड़ती, फिर उसे पराजय का मुंह ताकना नहीं पड़ता, फिर उसे जीवन में हताशा या निराशा नहीं होती। वह एक बार यदि महाकाली साधना संपन्न कर लेता है तो सैकड़ों साधनाएं तो स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। जीवन के अभाव और जीवन की परेशानियां तो स्वयं समाप्त हो जाती हैं। और यह जरूरी नहीं है कि महाकाली साधना किसी मंदिर में या सुनसान स्थान पर, शमशान में या जंगल में संपन्न की जाए। महाकाली साधना तो घर में बैठकर के भी गृहस्थ के बीच रहते हुए, गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए की जा सकती है, और ऐसा करने पर सफलता शत प्रतिशत रूप में प्राप्त हो जाती है। जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जो जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो जीवन का धर्म और चिंतन है, जो अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं और विश्व में राष्ट्र में सम्माननीय होना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय होना चाहते हैं, उनके लिए सरस्वती साधना के साथ साथ महाकाली साधना भी अनिवार्य है, आवश्यक है।
क्योंकि अन्य सैकड़ों हजारों साधनाओं की अपेक्षा यदि केवल महाकाली साधना ही संपन्न कर ली जाए तो फिर अन्य साधनाओं को करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि वे महाकाली साधना संपन्न करें ही, क्योंकि पूर्णता और श्रेष्ठता की यही महाधिष्ठात्री महाविद्या देवी है। अब मैं आपको महाकाली साधना से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट करूंगा जिनका प्रयोग और उपयोग करने से महाकाली साधना सिद्ध होती ही, चाहे वह तांत्रिक साधना हो चाहे मंत्रमय साधना हो चाहे योगिक साधना हो चाहे वैदिक साधना हो। महाकाली साधना के बारे में तो 5-7 बिंदु स्पष्ट ही है। यह साधना कृष्ण पक्ष की किसी तिथि से या अमावस्या से या शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करें तो ज्यादा उचित रहता है। इस साधना में काली धोती और काले आसन का ही प्रयोग किया जाए और यथासंभव रात्रि को ही यह साधना संपन्न की जाए तो अनुकूलता ज्यादा अनुभव होती है। इस साधना को संपन्न करते समय या अनुष्ठान करते समय यदि साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, एक समय भोजन करे तो अनुकूलता ही रहती है। इस साधना में अस्थियों की माला अथवा अकीक माला का प्रयोग किया जाना चाहिए और यदि काले अकीक की माला प्राप्त हो जाए अथवा सर्प अस्थियों की माला प्राप्त हो जाए तो वह ज्यादा उत्तम रहती है। साधना काल में व्यक्ति भयभीत न हो और निश्चिंतता और निर्भीकता के साथ मंत्र जब संपन्न करे तो उसे सफलता मिलती ही है। प्रत्येक महाकाली साधना में रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की आवश्यकता होती ही है। रक्षात्मक इसलिए कि वह साधक को पूर्णता के साथ रक्षा प्रदान करती है, कोई तकलीफ नहीं होने देती, कोई बाधा नहीं आने देती। इसलिए रक्षात्मक विधान के साथ महाकाली महायंत्र अपने सामने स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना कर संकल्प लेकर साधना प्रारंभ किया जाए तो साधक को अनुकूलता और श्रेयस्करता प्राप्त होती है।
यों तो महाकाली साधना कई प्रकार की कई रूपों में है, उनमें से मैं कुछ प्रयोग स्पष्ट कर रहा हूं। पहला प्रयोग तो शत्रुओं को समाप्त करने और पूर्ण विजय प्राप्त करने से संबंधित प्रयोग है। वह चाहे मुकदमे में सफलता से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं पर प्रहार करने से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं को समाप्त करने से संबंधित हो, जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, शत्रु परास्त हों और नतमस्तक हों, उसके लिए यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक किसी अमावस्या से इस साधना को प्रारंभ करे। रात्रि का तात्पर्य रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय होता है। बिना घबराहट के, बिना चिंता के साधक स्नान कर काली धोती पहनकर काले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने प्राण चेतना युक्त महाकाली चित्र और महाकाली यंत्र की स्थापना करें। रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की भी स्थापना साधना काल में करें। फिर सामान्य रूप से महाकाली के स्वरूप का पूजन करें, नैवेद्य समर्पित करें, स्वयं के ललाट पर सिंदूर का तिलक करें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक शत्रु या अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम ले, और यदि शत्रु एक से ज्यादा हो तो उनका नाम ले, अथवा समस्त शत्रु शब्द का प्रयोग करें। मैं समस्त शत्रुओं को समाप्त करने, उनके मन से शत्रु भाव समाप्त करने, उन्हें नतमस्तक करने या मुकदमे में सफलता प्राप्ति के लिए यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूं। इसमें साधक स्वयं अपना गोत्र, अपना नाम उच्चरित करे कि मैं अमुक नाम का साधक अमुक कार्य के लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं।